ओम शांति। दिन का आदि काल शुद्ध और शक्तिशाली वेला। प्रभु मिलन की यह श्रेष्ठ वेला में मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र होती हूँ। आत्मिक स्वरूप में स्थित हूं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ।
मेरा आदि स्वरूप, परम धाम का स्वरूप, बीज रूप है मैं, बीज रूप बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मेरा अनादि स्वरूप भी श्रेष्ठ पावन स्वरूप है। सृष्टि चक्र के आदि काल में, सत्युगी समय में मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप पावन दिव्य पुरुष के रूप में इस संसार में विचरण करती थी। मेरा अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप दोनों ही सर्वश्रेष्ठ मानव स्वरूप है। मेरा आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप, मेरे यह दोनों ही रूप मानव का सर्वश्रेष्ठ सत्य स्वरूप है। मैं ज्ञान सागर शिव पिता की संतान हूं। मैं ज्ञान सागर शिव पिता की संतान हूं।
मेरा बाबा खुशियों की खान है। मेरा बाबा खुशियों की खान है। मेरा बाबा खुशियों की खान है। शिव बाबा परम सत्य है। इस अज्ञान काल में, कलियुगी सृष्टि में, शिव पिता का सत्य ज्ञान का प्रकाश इस तमो प्रधान सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। परमात्मा पिता, ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता भी हैं। परमात्मा पिता, ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता भी हैं।
बाबा दिव्य चक्षु विधाता है। बाबा दिव्य चक्षु विधाता है। बाबा दिव्य चक्षु विधाता है। मुझ आत्मा को तीसरा नेत्र देकर मेरी सद्गति कर रहे हैं। सत्य परमात्म ज्ञान भगवानुवाच ही मुझ आत्मा रूपी तीसरे नेत्र की रोशनी है। मैं भाग्यशाली आत्मा हर दिन की शुरुआत शिव भगवानुवाच डायरेक्ट परमात्म महावाक्य बाबा की ज्ञान मुरली से करती हूं। बाबा के ज्ञान के महावाक्य मुझ आत्मा को
सत्य पथ पर, पावन बनाने वाले मार्ग पर, एकाग्र रखती है, जैसे जैसे मेरे कमजोर संस्कारों पर अंकुश लगता जा रहा है और मेरे अनादि बीज रूप और आदि दैवी संस्कार स्मृति में स्थायी बनते जाते, विश्व की आत्माओं में मेरे कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप के प्रति भावना बढ़ती जाती। मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप में देव आत्मा हूं। मैं देवता हूं, दिव्य पुरुष हूं। मेरा आदि स्वरूप दिव्य पुरुष का है। मेरा अनादि स्वरूप बिंदु है। मेरा सदाकाल का रूप ज्योति बिंदु है।
मैं बिंदु हूं। मेरे बुद्धि का योग परमात्मा पिता से जुड़कर मैं पावन बनती जा रही हूं। बाबा से मेरा बुद्धि योग मुझ आत्मा को स्वच्छ, श्रेष्ठ और पावन बना रही है। अब मुझे अनुभव होता है इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान बाबा की याद है। हर आत्मा को आज मैं अपने संकल्पों द्वारा, शुभ भावनाओं द्वारा यह संदेश दे रही हूं। हे सर्व धर्म की आत्माएं, अपने सत्य स्वरूप को जान। परम पिता परमात्मा शिव बाबा के सत्य स्वरूप को प्यार से, दिल से याद करो। परमात्मा को याद करो, इससे सुख और शांति फिर से हर आत्मा में लौट आएगी। परमात्मा को याद करो, इससे सुख और शांति फिर से हर आत्मा में लौट आएगी।
बाबा दिव्य चक्षु विधाता है। बाबा दिव्य चक्षु विधाता है। बाबा दिव्य चक्षु विधाता है। मुझ आत्मा को तीसरा नेत्र देकर मेरी सद्गति कर रहे हैं। सत्य परमात्म ज्ञान भगवानुवाच ही मुझ आत्मा रूपी तीसरे नेत्र की रोशनी है। मैं भाग्यशाली आत्मा हर दिन की शुरुआत शिव भगवानुवाच
डायरेक्ट परमात्मा महावाक्य बाबा की ज्ञान मुरली से करती हूं। बाबा के ज्ञान के महावाक्य मुझ आत्मा को सत्य पथ पर पावन बनाने वाले मार्ग पर एकाग्र रखती है, जैसे जैसे मेरे कमजोर संस्कारों पर अंकुश लगता जा रहा है और मेरे अनादि बीज रूप और आदि दैवी संस्कार स्मृति में स्थायी बनते जाते विश्व की आत्माओं में मेरे कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप के प्रति भावना बढ़ती जाती। बाबा को दिल से याद करो, मन मनाभव, मन मनाभव की स्मृति में स्थित हो जाओ।
मैं ज्ञान सागर शिव पिता की संतान हूं। मैं ज्ञान सागर शिव पिता की संतान हूं। मेरा बाबा खुशियों की खान है। मेरा बाबा खुशियों की खान है। मेरा बाबा खुशियों की खान है। बाबा को दिल से याद करो। मन मनाभव की स्मृति में स्थित हो जाओ।
सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है मन, गीत खुशी के गाता है। तुम पर
जगा के उमंगों के साथ अपने सब